नमस्कार, मेरा नाम विजय कृष्ण है। मैं शिविका शिल्प कला सहकारी सहयोग समिति लिमिटेड, जो हमारी कंपनी है, उसका मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ इस यूनिट का। हम लोगों ने मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग और निम्समे के थ्रू ये एक हमारा यूनिट लगा हुआ है बांस का, बैम्बू क्लस्टर बुंडू के नाम से बेसिकली इसको हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ यहाँ सिर्फ आपको बांस ही बांस दिखेगा। हमारे संतोष सर ने इस पर रिसर्च करा काफ़ी ज़्यादा, और भारत सरकार और झारखंड सरकार के सहयोग से ये हमारी यूनिट लगी हुई है। जोहर, ये क्लस्टर हमने 2014 में सोचा था और आज 2023 है। छोटे छोटे कदमों से चलते हुए यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से इस क्लस्टर की स्थापना हुई है, और स्थापना के पीछे उद्देश्य है कि जो बांस की कारीगरी या बांस से उत्पादित जो वस्तुएं जो अपना बाजार से पहचान खो रही थी, और इस पे काम करने वाले जो असंख्य कारीगर थे जिनका पुश्तैनी पेशा रहा था, वो धीरे धीरे करके पलायन कर रहे थे। वो अपने गांव को, अपने पेशा को छोड़ के दूसरे शहरों में जाके मजदूरी करने पर विवश हो रहे थे। तो हम लोगों ने जो सोच रखा है वो ये रखा है कि बुंडू, सोनाहातू, राहे, तमाड़, ये जो चार ब्लॉक हैं, आसपास में सिल्ली ब्लॉक है, अड़की है, इन सारे ब्लॉक के जो ऐसे कारीगर जिनका पेशा बांस का रहा है या जिनके पास आज के दिन में अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको इस रोजगार से जोड़ के और उनका एक निरंतर रोजगार सृजन का काम हो। मैं अरुण कुमार महतो, मैं फिलहाल 2 महीना से काम कर रहा हूँ। अभी जो फिलहाल है, हम लोग की जो महिलाएं हैं वो गांव में काम करती थी, तो उन लोगों को हम लोग कुछ अलग चीज़ करने के लिए हम लोग बुलाए। उन लोग गांव में काम करते थे तो फास्ट काम होता नहीं था। अभी फिलहाल जो हमारे पास आई मशीनें जितने भी है, मशीनों से हमारा फास्ट काम हो जाता है, और जो उन लोग का तरीका नहीं आता था वो तरीका हम लोगों ने उसको अलग अलग तरीके, जैसे झाड़ू बांधना, टूथपिक में इस तरह निकलता है, उन लोग को मालूम नहीं चलता था। झाड़ू के अलग अलग तरीके, अलग अलग डिजाइन के, किस तरह बांधना है, किस तरह करना है, ये चीज़ भी हम लोगों ने बताया। और साथ ही हम लोग इतने मशीन में निकल रहे हैं तो ये हम लोग का फास्ट काम भी हो रहा है। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि वो बांस को दावली से काटा और फिर उसको धीरे धीरे एक एक करके फाड़ते थे। ये हमारा स्प्लिटर है, इस पर आप बांस डालिए और एक बार में ये बांस को अलग अलग टुकड़ों में काट करके निकाल देगा। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये बड़ी वाली, ये हम लोग बैम्बू से चारकोल और विनेगर बना रहे हैं। अभी ये इंस्टॉलेशन हुआ नहीं है। ये अलग अलग मशीनें हैं जो कि बांस में अलग अलग तरह की कटाई छटाई करेंगे। ये हमारा ड्रिल सेक्शन है, हमने अपने पूरे सीएफटी को सेक्शंस में बांट करके रखा हुआ है। मेटल से और भी प्लास्टिक से जो ट्रॉफियां बनती है, वो ट्रॉफी हम लोग बांस से बना रहे हैं। तो ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, किसी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप बांस यूज़ करते हैं तो आप इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो एक तरह से आप जो डिफॉरेस्टेशन है उसको नीचे कर रहे हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, मैं तो रहने वाली हूँ पुना बाजार टोली से। मेरा नाम है उमा देवी, और हम लोग घर में बैठे हुए थे, ऐसे हम लोग के पास कुछ काम नहीं था, इसीलिए हम लोग काम के चलते हम लोग यहाँ आए हैं, फैक्ट्री घुसे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सकेंगे जो हम लोग हाथ में पैसा हो, लेडीज़ अपना हाथ से कुछ कमाई धमाई हो, इसीलिए हम लोग सब महिला लोग एक साथ काम कर रहे हैं।